हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल ट्रेड स्टार। आज की वीडियो में हम डेली के इंडिया लिमिटेड शेयर का डिटेल्स में प्राइस एक्शन एनालिसिस करेंगे। यहाँ पे प्राइस एक्शन क्या बन रहा है एंड अभी जो लगभग 5 ईयर्स का कंसोलिडेशन चल रहा था उसका अपर बाउंड्री के आसपास अभी प्राइस ट्रेडिंग कर रहा है, क्या ये ब्रेकआउट आ जाएगा एंड इसके लिए ब्रेकआउट आने के बाद टारगेट क्या रहेगा एंड प्राइस के लिए स्ट्रांग सपोर्ट लेवल कहाँ पे बन रहा है, डिटेल्स में आज की वीडियो में हम कवर करेंगे। उससे पहले अगर अभी तक आप ट्रेस्टल चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। देखिए, जो स्टॉक का मार्केट कैप जो है लगभग 556 करोड़ के आसपास एंड यहाँ पे जो प्रमोटर होल्डिंग है 51%। अगर इसका डेप्ट देखेंगे तो देखिए, जो कंपनी है ऑलमोस्ट डेप्ट फ्री है, इस कंपनी के ऊपर कुछ भी डेप्ट नहीं है एंड रिजर्व कैश जो है 270 करोड़ के आसपास रिजर्व कैश है। एंड अगर इसका हम शेयर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे तो देखिए, यहाँ पे प्रोमोटर एंड रिटेल पब्लिक इस दोनों के पास शेयर होल्डिंग है, मतलब यहाँ पे प्रोमोटर के पास 51% शेयर होल्डिंग है एंड जो पब्लिक के पास 49% है एंड DI एंड FI उनके पास 0% शेयर होल्डिंग है। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि उसका चार्ट में बहुत ही स्ट्रांग एंड ब्यूटीफुल चार्ट सेटअप बन रहा है। तो अभी चलते हैं चार्ट पे, चार्ट में हम प्राइस एक्शन एनालिसिस करेंगे। तो देखिए, आपके स्क्रीन के सामने ये जो चार्ट ओपन हुआ है, ये ओपन हुआ है डी लिंक इंडिया लिमिटेड का एंड यहाँ पे जो मैं टाइम फ्रेम सेलेक्ट किया मंथली, पहले हम मंथली में एनालिसिस करेंगे, उसके बाद वीकली में जाएंगे, उसके बाद डेली में जाकर कहाँ पे एंट्री करना है वो भी देखेंगे। देखिए, प्राइस जो है 2010 से 2015 यहाँ पे देखिए रेंज में कंसोलिडेशन कर रहा था एंड कंसोलिडेशन के बाद देखिए यहाँ पे ब्रेकआउट आया था 56 के आसपास, उसके बाद यहाँ पे हाई लगाया था 250 का। मतलब इस स्टॉक का कैरेक्टर ऐसा है कि प्राइस एक बार हाई लगाने के बाद उसके हाई के नीचे 4 से 5 साल कंसोलिडेशन करता है, जब भी कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट आता है प्राइस मिनिमम डबल से ट्रिपल हो जाता है। एग्जैक्टली यहाँ पे देखिए अभी जो प्राइस एक्शन बन रहा है ऐसा ही बन रहा है। प्राइस यहाँ पे 250 का हाई लगाया था, उसके बाद देखिए यहाँ पे 2016 से प्राइस अभी यहाँ से कंसोलिडेशन कर रहा है एंड इसका जो अपर बाउंड्री यहाँ पे बन रहा है 155 के आसपास। प्राइस उसके आसपास बार बार जा रहा था लेकिन वहां से रिजेक्शन आ रहा था। तो अभी चलते हैं वीकली टाइम फ्रेम में, देखेंगे वीकली टाइम फ्रेम में क्या प्राइस एक्शन बन रहा है। देखिए, वीकली टाइम फ्रेम में एग्जैक्टली जो लेवल यहाँ पे 155 के आसपास प्राइस के लिए एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन है। जब भी प्राइस 155 के आसपास आ रहा था, देखिए प्राइस को बार बार यहाँ से सप्लाई मिल रहा था। इंपॉर्टेंट बात है कि प्राइस ने जो 155 का लेवल है उसके आसपास प्राइस यहाँ पे कंसोलिडेशन कर रहा है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो देखिए यहाँ पे एक पैटर्न बना है जिसको आप बोल सकते हैं कप एंड हैंडल पैटर्न। अगर आप इसका पूरा इस एरिया को उसका कॉप मानेंगे एंड ये हो गया उसका हैंडल। देखिए, प्राइस यहाँ पे बना रहा है एक कॉप एंड हैंडल पैटर्न जिसके यहाँ पे अपर बाउंड्री बनेगा वो बनेगा यहाँ पे 161-162 के आसपास, जो कि आज का प्राइस उसके ऊपर जाकर टॉच करने की कोशिश किया था लेकिन वहां से फिर से रिजेक्ट हो गया, उसके ऊपर क्लोजिंग आ नहीं पाया। लेकिन आपको कैसे एंट्री करना है वो भी हम डेली टाइम फ्रेम में देखेंगे। देखिए, उससे पहले प्राइस यहाँ पे ऑलरेडी कंसोलिडेशन हो गया है 135 के आसपास, जो कि देखिए इस जोन में प्राइस कंसोलिडेशन हो रहा था। कंसोलिडेशन के बाद इस लेवल को ब्रेकआउट किया, उसके बाद अभी वीकली टाइम फ्रेम में कंसोलिडेशन कर रहा है। तो अभी हम चलते हैं डेली टाइम फ्रेम में, डेली टाइम फ्रेम में क्या प्राइस एक्शन बन रहा है। उसके साथ में अभी यहाँ पे 200 का मूविंग एवरेज यहाँ पे ऑन कर लेता हूँ। देखिए, प्राइस जो है बार बार 200 मूविंग एवरेज आसपास से सपोर्ट ले रहा है, जो कि प्राइस के लिए एक बुलिश साइन है। अगर कोई भी स्टॉक का प्राइस 200 मूविंग एवरेज के नीचे सस्टेन नहीं करता है, स्टॉक को नॉर्मली बुलिश माना जाता है एंड प्राइस देखिए यहाँ पे एक रेंज में कंसोलिडेशन कर रहा है जिसका अपर बाउंड्री यहाँ पे बन रहा है 161-162 के एरिया में। मतलब प्राइस जो यहाँ पे अगर एक बार इस जो जोन बन रहा है 161-162 का, इसको ब्रेकआउट करके क्लोज कर देगा तो उसके बाद यहाँ से हमको तेजी देखने को मिल सकता है। अगर आपके पास अभी है आप होल्ड कर सकते हैं, नया एंट्री करने के लिए आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा जो कि लेवल है 161 के ऊपर क्लोजिंग देने के लिए। देखिए, उसका जो लॉन्गर टर्म का रेजिस्टेंस लाइन था 155 के ऊपर, उसके ऊपर तो प्राइस क्लोजिंग दे रहा है लेकिन उसके बीच में रोटेट कर रहा है एंड कंसोलिडेशन कर रहा है। अभी डेली टाइम फ्रेम में एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन प्राइस के लिए बन गया है, वो बन गया है 161 के आसपास। जब भी प्राइस यहाँ पे 161 के ऊपर जाकर वाले टाइम फ्रेम या डेली टाइम फ्रेम में क्लोजिंग देगा, उसके बाद आप एंट्री कर सकते हैं। लेकिन जिसके पास है अभी वो होल्ड कर सकते हैं, फ्रेश बाय अबव 161
एंड 162 के ऊपर जब क्लोजिंग आएगा उसके बाद उसी केस में जो भी कैंडल यहाँ पे ब्रेकआउट देगा उसी कैंडल का लो, नहीं तो यहाँ पे जो सपोर्ट बना है 153 का, 150 के नीचे आप स्टॉप लॉस देकर इसको होल्ड कर सकते हैं जब प्राइस यहाँ पे 161 के ऊपर क्लोजिंग आएगा। तो उससे पहले अगर आप बाय करते हैं, फ्रेश बाय करते हैं, वो आपके लिए रिस्क है क्योंकि प्राइस अपर बाउंड्री से रिजेक्शन मिल रहा है एंड लोअर बाउंड से प्राइस को सपोर्ट मिल रहा है, तो जिसके पास है वो होल्ड कर सकते हैं। नो डाउट प्राइस स्ट्रक्चर अच्छा है, लेकिन आज का जो मूवमेंट आया था यहाँ पे उसको ब्रेकआउट ऑलरेडी कर दिया था, लेकिन यहाँ मार्केट में जो लास्ट टाइम में सप्लाई आया उसके वजह से यहाँ से रिवर्सल हो गया था। आपको 161 के लेवल के ऊपर ध्यान रखना है, जब भी प्राइस 161 लेवल के ऊपर क्लोजिंग आएगा उसके बाद आप एंट्री कर सकते हैं एंड स्टॉप लॉस देना है बिलो 150। इसको ध्यान रखना है क्योंकि आपका रिस्क हमेशा से मैनेज करना है। पैटर्न कितना भी अच्छा हो जाएगा विदाउट योर प्रॉपर क्वांटिटी मैनेजमेंट आप कभी भी एंट्री करना आपके लिए रिस्क रहेगा। एंड मेरा एनालिसिस अगर आपके एनालिसिस के साथ मैच करता है उसके बाद जाकर आपका इन्वेस्टमेंट का डिसीजन आप ले सकते हैं। अगर प्राइस यहाँ पे 161 के ऊपर क्लोजिंग आ जाता है तो उसके बाद टारगेट क्या रहेगा, देखिए प्राइस अगर एक बार 161 के ऊपर क्लोजिंग आएगा तो नेक्स्ट उसका टारगेट बनेगा वहां पे 195 एंड उसके बाद 245। तो पहला टारगेट आपका यहाँ रहेगा 195, नेक्स्ट टारगेट रहेगा 245। इस दोनों टारगेट के लिए आप डीलिंग में एंट्री कर सकते हैं प्राइस जब 161 के ऊपर डेली क्लोजिंग आएगा। उससे पहले अगर एंट्री करेंगे वो आपके लिए रिस्क है एंड जिसके पास है वो होल्ड कर सकता है एंड आपका स्टॉप लॉस रहेगा बिलो 150 आपका रिस्क डिफाइन करने के लिए। एंड आपको आइदर आवर्ली या डेली टाइम फ्रेम में वो आपके ऊपर फुली डिपेंड करता है, लेकिन इस प्राइस स्ट्रक्चर के ऊपर ध्यान रखना है क्योंकि देखिए लार्जर टर्म का कंसोलिडेशन के बाद ब्रेकआउट करने वाला है प्राइस। अभी अगर यहाँ पे 161 को ब्रेकआउट कर देता है आने वाले टाइम में एक अच्छा खासा तेजी हमको देखने को मिल सकता है, लेकिन आपको हमेशा से आपका रिस्क रिवार्ड क्वांटिटी को मैनेज करना है। विदाउट योर प्रॉपर रिस्क एंड क्वांटिटी मैनेजमेंट कभी भी इन्वेस्ट या ट्रेडिंग नहीं करना है। आई होप कि आप समझ पाए होंगे। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।